उत्तरी रेलवे के जनरल मैनेजर शोभन चौधरी ने बड़ौदा हाउस में अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्हें अहम जानकारी साझी की। उन्हें कहा कि उत्तरी रेलवे दिन ब दिन बेहतर कारगुजारी विखा रहा है। उन्हें कहा कि उत्तरी रेलवे तहत 5 डिवीजन आउंदियां ने ते 1011 स्टेशन आउंदे ने। उन्हें कहा कि उत्तरी रेलवे का नैटवर्क 7 स्टेटा ते 2 यूटी विच फैलिया होया है। उन्हें दसा कि 1926 तो बाद रेलगड्डी इस नैटवर्क तहत एक दिन में चलदिया ने, एक दिन में 15 लाख तो वध मुसाफर इन रेलों में सफर करते हैं। इस मौके उन्होंने नवी रेलां चलाने बाबत भी अहम ऐलान किए। आपने सही कहा कि हरियाणा में फोकस पे रहेगा। इसका जो डिपो हम लोग बना रहे हैं, जो फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, वो जिंद में कर रहे हैं और ये गाड़ी जल्दी चलने की उम्मीद है और आशा करते इसी वित्तीय वर्ष में गाड़ी चलेगी। इसी वित्तीय वर्ष से मेरा ताल्लुक है, 23-24 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें ये गाड़ी चलेगी। सोनीपत जिंद और सोनीपत देख सोनीपत जिंद चलेगी या दिल्ली या कालका शिमला चलेगी, वो अभी क्लियर नहीं है। उस पर कार्य चल रहा है, दोनों जगह इसके प्रोटोटाइप पे काम चल रहा है, फिर बनके दिसंबर जनवरी तक चलनी चाहिए। सर एक और प्रोजेक्ट जो दिल्ली में बहुत समय से लंबित है, पुराना जो रेलवे का ब्रिज है उसे लेके काफ़ी समय से काम चल रहा है लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया है। हाँ, ये मैंने भी इसको रिव्यू किया था, इस पर बहुत सारे इश्यूज थे जिसके कारण ये डिले हुआ, बट अब काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके सब स्ट्रक्चर पूरे बन गए हैं और ऊपर का स्ट्रक्चर गर्डर और वो होना है, फिर रेल लाइन बिछेगी, ऊपर बिजली का काम होगा। कुल मिला के ये प्रोजेक्ट भी जिस ढंग से जिस गति से अभी चल रहा है, मुझे आशा है कि ये फरवरी मार्च 2024 तक ही